असम नाजिम जफर इकबाल एस्पायरी अल्सर के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आपके साथ मैं इससे पहले भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर करता रहा हूँ, जिसके अंदर हाई राइज कमर्शियल भी हैं, हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर करूँ जिनकी मार्केट वैल्यू भी है और जो उस वक्त उनके हवाले से करंट इन्फॉर्मेशन जो भी चल रही होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। आज भी मैं आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और ये प्रोजेक्ट लाहौर का है, हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और बड़ी आइडियल लोकेशन के ऊपर है। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। जी नाज़रीन, तो आज से मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो लाहौर का एक प्रोजेक्ट है। ये हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लाहौर की बड़ी आइडियल लोकेशन के ऊपर है, जहाँ पे हर कोई ड्रीम करता है यार वहाँ पे मेरा अपार्टमेंट हो, वहाँ पे घर हो। और ये है लाहौर में DHA के बिल्कुल साथ, अस्क्री के अंदर है, अस्क्री 11 में ये प्रोजेक्ट है। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है अस्क्री टावर्स। अस्क्री टावर्स को अस्क्री प्लस फलक नाज ग्रुप बना रहा है, यानी इसके जो डेवलपर हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं, इनका जॉइंट वेंचर है, ये मिलकर बना रहे हैं इसको। फलक नाज ग्रुप का अगर मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं तो ये कराची का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑलरेडी कराची के अंदर राउंड वर्ल्ड 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है। राउंड वर्ल्ड 15-20 प्रोजेक्ट हैं जो इनके ऑन गोइंग हैं, और जो प्रोजेक्ट भी इन्होंने डिलीवर किए वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर किए इन्होंने, वेल नाउन डेवलपर हैं पाकिस्तान के। तो फलक नाज ग्रुप का ये जो अस्क्री टावर है ये एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 8 कनाल के ऊपर बना हुआ है और ग्राउंड प्लस 18 है, ये 18 स्टोरी बिल्डिंग ये बनाने जा रहे हैं। लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, अस्क्री 11 के अंदर करके ये है। अस्क्री 11 में मेन बेदिया रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये 2 मिनट की ड्राइव है रिंग रोड से और 13 मिनट की ड्राइव बनती है इलामा इकबाल एयरपोर्ट से और 15 मिनट की ड्राइव बनती है ये कैंट एरिया से। तो इसकी आप लोकेशन भी मैं आपको, ये लोकेशन मैप भी आपको शो कर रहा हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन इसकी बन रही है। गेटेड कम्युनिटी है, आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान के सिक्योर ट्रीन एरियाज जो अस्क्री के जो भी एरियाज हैं वो सिक्योर ट्रीन एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं खास बात करूँ तो इसमें 2 बेसमेंट्स स्पेशली इन्होंने डेडिकेट किए हैं पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्किंग के लिए। इस पूरे जो प्रोजेक्ट के अंदर राउंड 140+ अपार्टमेंट्स होंगे और लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, तो उन अपार्टमेंट्स के लिए हर अपार्टमेंट के लिए एक कार पार्किंग इन्होंने मख्तस की है इसके अंदर। इनकी रिक्वायरमेंट से अगर हम एक एक पार्किंग देखें तो उससे ज़्यादा ये राउंड कोई 200 के करीब गाड़ियां पार्क करने की इसके अंदर जगह होगी, तो हर अपार्टमेंट के लिए एक पार्किंग मुख्तस होगी। अगर मैं अम्यूनिटीज़ की बात करूँ इसके अंदर, इसमें इन्होंने ग्राउंड फ्लोर टोटली अम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तस कर दिया है, उसके अंदर स्विमिंग पूल की भी इसके अंदर मौजूद होंगे, इंडोर गेम्स भी होंगे इसके अंदर, जिम एंड फिटनेस सेंटर्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे, मॉस्क के अंदर होंगे, हाई स्पीड एलिवेटर्स इसमें होंगे, एक्सेप्शनल फिनिशिंग एंड फिक्सर्स होंगे इसमें, और सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से एक तो अगर मैं बात करूँ तो DHA एंड अस्क्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इंतहाई सिक्योर्ड एरिया होते हैं। ये अपार्टमेंट का लेआउट प्लान आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। ये टोटली सारा एक ही साइज के इसमें अपार्टमेंट होंगे और ये 3 बेडरूम लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे इसके अंदर। अगर इसके एरिया की मैं बात करूं तो ये 2335 स्क्वायर फीट के ऊपर ये अपार्टमेंट होगा, साइज होगा ये तकरीबन 11 मरले के करीब बन जाता है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग को सराउंडिंग में के साथ कंपेयर करूं तो आप सिंपली आप एक चीज़ देख लीजिए कि DHA के अंदर अगर आप अपना एक घर लेते हैं 5 मरले का, तो वो इस वक्त आपको अराउंड 4.25 करोड़ इस रेंज के अंदर आपको 5 मरले का जो घर वहाँ पे मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि ये अपार्टमेंट 2335 स्क्वायर फीट बनता है जो राउंड रोड आपका 11 मरले के करीब जगह बन जाती है, और इसकी जो प्राइस है 3,36,24,000 रुपये इसकी प्राइस इन्होंने रखी हुई है। तो ये एक बहुत मुनासिब प्राइसिंग के अंदर है। और अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप लाहौर की जो अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स DHA और अस्क्री को जानते हैं और आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, आप अफोर्डेबल हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेंगे। तो आप अस्क्री टावर्स के अंदर अपार्टमेंट्स की बुकिंग के हवाले से और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी जिम्मेदारी के साथ भरपूर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने जानने वाले अहबाब के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। आप सब दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।